स्वच्छता सर्वेक्षण में बात करने के लिए हमारे साथ में नगर निगम की दिक्कत लेकर मैम, किस तरीके का जो है फील्डवर्क अभी चल रहा है, क्या स्टेटस है? स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर अभी हम लोग जो हमारा फील्ड में तैयारियां हैं, जैसे सर्वेक्षण को लेकर कल आपने देखा होगा कि हमने पूरे शहर में जो CND वेस्ट निकलता है, निर्माण और विध्वंस जो अपशिष्ट निकलता है, उसको कलेक्शन का एक ड्राइव चलाया था। उसमें कल हम लोगों ने इतने स्थान चिन्हित किए थे कि कहाँ कहाँ हमारा CND वेस्ट पड़ा है, चिन्हित करके उनको उठवाया गया और संबंधित जिन्होंने वो डाला था उन पर चालानी कार्रवाई भी की। कितना असर जो है आप शहर में देखने को मिल रहा है, क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? हाँ, लोग जागरूक तो हो रहे हैं। हम लोग जो प्रतिदिन सफाई हो रही है, उसमें जो डोर टू डोर जा रही है, उसमें लोग कचरा अलग, हम लोग एक अपील भी करते हैं तो लोग, कुछ लोग दे रहे हैं और कुछ लोगों में जागरूकता अभी आना है तो धीरे धीरे आ रही है, व्यवहार परिवर्तन धीरे धीरे हो सकता है। नियमित कितना जो है रूप से चालान फटता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा गलती करके पाया जाता है तो? वो चालान की क्या है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग राशि शासन से तय है, अलग अलग है। जैसे अगर किसी ने कचरा बाहर फेंका तो उसके लिए अलग है, पॉलीथीन यूज़ करने पे अलग है, निर्माता के लिए अलग है, और कोई भंडारण करता है अलग है, और CND वेस्ट फेंकता है उसके लिए अलग है, खुले में शौच की अलग है, ऐसे सभी चीज़ों में बहुत सारी कैटेगरी है उसमें कि आप कितने तरीके से शहर गंदा कर सकते हैं, उन सभी कैटेगरियों को मिला करके स्पॉट फाइन के उसमें शामिल कर दिए गए हैं। क्या संदेश की अपील करना चाहेगा आप शहरवासियों से? मैं सभी शहरवासियों से यही अपील करना चाहूँगी कि ये शहर हम सबका है ना, तो इसकी जिम्मेदारी केवल सफाई मित्रों की नहीं है कि वो सफाई करें, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम सभी आगे आएं और शहर को साफ करें, कचरा अलग अलग दें और ना खुद फेंकें ना किसी को कचरा फेंकने दें। और सबसे बड़ी बात कि घर से जब भी शॉपिंग करने जाएं तो घर से हाथ थैला लेके जाएं और बाहर की पॉलीथीन का यूज़ नहीं करें और किसी को करने भी नहीं दें। थैंक यू मैम। तो ये मैम से हमने बात करनी कोशिश, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC के साथ। शेख रहमान के साथ मैं दानिश अज़ा खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।